पब्लिक टीवी आपकी आवाज। वैश्य समाज मुरादाबाद की ओर से एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि वैश्य समाज के प्रदेश अध्यक्ष अजय केसरी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की प्रभारी सुनीता गुप्ता रही। संगठन की मजबूती पर बैठक में बल दिया गया और कर्तव्य निष्ठा के साथ निर्वहन करने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वैश्य समाज उत्तर प्रदेश का गठन कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी के द्वारा किया गया है, ताकि वैश्य समाज एकजुट होकर और ज्यादा तरक्की करे और जरूरतमंदों की सेवा करते रहे। वैश्य समाज के कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा के आर्थिक प्रकोष्ठ के संयोजक राजेश रस्तोगी ने की। कार्यक्रम के आयोजक जिलाध्यक्ष सुरेंद्र प्रकाश गुप्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ साहित्यकार विवेक कुमार गुप्ता निर्मल द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला महामंत्री मनीष गोयल, महानगर अध्यक्ष कपिल गुप्ता, महिला संगठन की जिलाध्यक्ष सोनिया गुप्ता, महानगर अध्यक्ष कंचन अग्रवाल के साथ बड़ी संख्या में वैश्य परिवार के लोग उपस्थित रहे। संगठन का जिला अध्यक्ष घोषित करता हूं। मैं सुनीता जी आपको भी आ गए, ये शिवान जी को मैं माला पहना करके आज जिम्मेदारी सौंप रहा हूं। आइए समझ आइए आप, ये हमारा उम्मीद है कि शिवान जी उभरते हुए नौजवान पुरानी एक नाते किसी भी व्यक्ति का वैश्य समाज के व्यक्ति का शोषण नहीं कर सकता, इसकी गारंटी है मुरादाबाद में। और वैसे तो ये संगठन नंदी भैया के तत्वाधान में चल रहा है और हमारे समाज के और मंत्री हैं कपिल देव भैया, नितिन अग्रवाल जी, तो हमारे समाज से 3-3 मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग कहीं कमजोर हैं, हमारी मुट्ठी बंद है, शक्ति पूरी है और इस शक्ति के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज सब लोगों ने ये कार्यक्रम आयोजित किया, इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। और सुनीता भाभी आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप बहुत सक्रिय हैं। मैं कभी आज से 30-35-40 साल पहले ढूंढा करता था कि मेरे समाज में कोई महिला ऐसी निकल आए जिसे हम आगे कार्यक्रमों में बढ़ा सकें, तो आज मुझे गर्व है कि आप मुरादाबाद महानगर से निकलकर एक अच्छे मंच पर पहुंच रही हैं और बहुत जल्दी आपको अच्छे कार्यक्रमों में अच्छे पदों से सुशोभित किया जाएगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। मैं प्रभु श्री राम से कामना भी करता हूँ कि आपकी जितनी मेहनत और लगन है, भैया ने कहा आपने जगह जगह स्टीकर लगाए, ये बड़ी बात है, बहुत कम लोग हैं जो अपने समाज के लिए आगे बढ़कर काम करते हैं, आप कर रही हैं। और सबका आप सबकी तरफ से उनका सम्मान यहाँ हुआ, उन्होंने वो सम्मान स्वीकार किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। आते रहिए, मिलते रहिए, सबको एक बार बड़ी देर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सभी से निवेदन, सभी अपने साथ मान लेंगे आप हमारे मैं अजय केसरी, प्रदेश अध्यक्ष वैश्य समाज उत्तर प्रदेश। मुरादाबाद में मेरा जो इसके पहले भी कई बार आना हुआ है, मुरादाबाद में पहले से संगठन है, यहाँ के विधायक वैश्य समाज से हैं, यहाँ के मेयर वैश्य समाज से हैं, हमारे लोकप्रिय कैबिनेट मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता वैश्य समाज से हैं। हम लोगों को एकजुट करना चाहते हैं, हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि संगठन में शक्ति है, हम अच्छे कार्य करें, समाज को एक अच्छा दिशा दे, अच्छा दशा दे। वर्तमान में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, अपने बड़े नेताओं से आग्रह करेंगे कि वैश्य समाज की उपस्थिति को नज़रअंदाज न किया जाए। हम लोग संकल्पित हैं कि भारत को विश्व में सबसे अग्रणी स्थान देने के लिए सनातन धर्म के पुजारी श्री नरेंद्र मोदी जी को हम लोग पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री देखे, और ऐसा लगता है कि देश का भविष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों में ही सुरक्षित है। हम वैश्य समाज के लोग प्रधानमंत्री जी को
पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री जी बने, इसके लिए हम जिला जिला, नगर नगर, गांव गांव काम कर रहे हैं। श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी के निर्देशन में वैश्य समाज एकजुट होकर के कार्य कर रहा है। जय हिंद, जय वैश्य समाज। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।